मिनट। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े वो हिंदी लेसन से पढ़े थे, अब अपन खाली चैप्टर पढ़ रहे हैं व्याकरण के। ओके, तो हिंदी चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हमने कल आपको संज्ञा करवाया था, आज हम आपको वचन करवा रहे हैं। संज्ञा और विलोम शब्द करवाया था हमने आपको कल, है ना। तो किस किस ने उसको लर्न किया है और कॉपी में लिखा है, चलिए आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन, वचन मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या शब्द जिनसे संख्या या गिनती का पता चले उन्हें वचन कहते हैं, जैसे लड़का लड़की, है ना। अब आपको अगर इसे समझ में नहीं आता है तो आप फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने एक फ्लैग बनाया, ये वन फ्लैग, ओके वन फ्लैग, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एक फूल, है ना। और यहाँ पर बच्चे और आएगा बच्चे,
तो यहाँ पर देखना पड़ेगा पंखी कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो ये पंखी कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है, जूते, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा जूते, जूते यहाँ लिख देंगे। ताले, एक ताला नहीं, कितने ताले, दो ताले, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ताले। ओके, तो ये आज आपका चैप्टर कौन सा था, वचन। ओके, समझ में आया आपको ये चैप्टर, ये चैप्टर आपको लर्न करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है इसको अच्छे से। ये आपका सी डब्ल्यू है, क्या है ये आपका सी डब्ल्यू, तो ये आपको पूरा कॉपी में नोट डाउन करना है, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास दोनों को, वहां पर लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ये लिखना है वचन वाला चैप्टर। और कल मैंने आपको संज्ञा की डेफिनेशन करवाई थी, विलोम शब्द करवाए थे, और आज मैंने आपको चैप्टर करवाया है वचन। ओके, तो ये आपको आपकी कॉपी में नोट करना है और इसको अच्छे से लिखना है, राइट प्रॉपरली, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ऐसे नहीं गलती राइटिंग में लिखना है। लेसन की कॉपी अलग बनानी है, व्याकरण की कॉपी अलग बनानी है, और उसमें ये चैप्टर आपको लिखना है, क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, असाइनमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो आपको ये प्रिपेयर रहेगा आपके पास, तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए, और घर पर रोज बुक पढ़ रहे ही पढ़ रहे हैं आप लोग, हिंदी की बुक आपको रोज रीड करनी है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बुक को रीड करेंगे उतना अच्छे से आपको पढ़ते आएगा, है ना। तो आप लेसन पढ़ सकते हो, जो आप लिखते हो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने लिख दिया और आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब लिख देगा, है ना। तो इसलिए आपको रोज बुक पढ़नी है, आप बुक लेके भी नहीं है मम्मी पापा के पास, किसी भी भैया बहन दादी किसी भी पास बैठ सकते हैं और उनको पढ़ पढ़ के आप सुनाते चलिए। ओके, तो रोज आपको